हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नी वीडियो। गाइस उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। गाइस आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं KTM बाइक्स के न्यू प्राइस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता है कि भाई जैसे ही न्यूअर आता है तो हर एक बाइक का थोड़ा सा प्राइस बढ़ता है, तो फाइनली KTM की लिस्ट हमारे पास आ चुकी है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि KTM की ऑल बाइक्स, जी हाँ, जिसमें आपको हस्क्वर्ना के बारे में भी बताऊंगा कि इनका प्राइस कितना बड़ा है, और KTM की ऑल सीरीज जो आती है 125 से 390 तक सारी बाइक्स का मैं आपको प्राइस बताने वाला हूँ कि पहले प्राइस कितना था और अभी कितना प्राइस बढ़ा है, अभी क्या एक्सोनम प्राइस ये बाइक आपको देखने को मिलेगी और कितना प्राइस बढ़ा है, ये भी मैं आपको अच्छी तरह से क्लियर कर दूंगा आज की इस वीडियो में, ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो सके कि बाइक का प्राइस कितना बढ़ चुका है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं KTM बाइक्स के न्यू प्राइस के बारे में। अगर चैनल पर पहली बार आए होगे तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि बहुत जल्द 100K होने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग जल्दी से प्लीज सपोर्ट करके 100K करवा दो, एक सिल्वर प्ले बटन आ जाए तो बहुत मजा आ जाएगा यार, प्लीज सपोर्ट प्लीज, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेंगे स्मॉल मॉडल के बारे में, यानी कि ड्यूक 125 से 390 तक जाएंगे, सबका प्राइस मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं ड्यूक 125 के बारे में, और मैं आपको क्लियर कर दूं कि जिस बाइक के बारे में मैं आपको बताऊंगा उसमें बैकग्राउंड में उसकी वीडियो भी चल रही होगी, ताकि आप बाइक भी अच्छी तरह से देख लोगे, ठीक है। ड्यूक 125 का जो पहले एक्सोरूम प्राइस आ रहा था वो आ रहा था 1,50,010 रुपए का एक्सोरूम प्राइस आ रहा था, और अब 2021 में इसका प्राइस हो गया 1,51,507, 1,51,507 रुपए इस बाइक का अब एक्सोरूम प्राइस आ गया। बात करेंगे इंक्रीज के बारे में कि कितना इंक्रीज हुआ, तो 1,497 रुपए इस बाइक में प्लस कर दिया गया है KTM की तरफ से। जी हाँ, इतना प्राइस आपको इसमें ज्यादा देखने को मिलेगा अब ड्यूक 125 में। और बात करें ऑन रोड प्राइस के बारे में, अब ऑन रोड दोस्तों ये बाइक हमारे यहां लगभग 1,76,000 रुपए, जी हां 1,76,000 रुपए के आसपास की ऑन रोड प्राइस देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये था दोस्तों न्यू प्राइस ड्यूक 125 का। बात करते हैं ड्यूक 200 के बारे में, पहली एक्सोरूम प्राइस आ रही थी 1,78,960, 1,78,960 रुपए की एक्सोरूम प्राइस आ रही थी 2020 में। बात करें 2021 के बारे में, तो अब ये एक्सोरूम प्राइस आएगी 1,81,536, 1,81,536 रुपए की ये बाइक अब आएगी एक्सोरूम प्राइस। और अगर बात करें इंक्रीज के बारे में, तो 2,576 रुपए, जी हाँ 2,576 रुपए इस बाइक में प्राइस बढ़ा दिया गया ड्यूक 200 में। और बात करें ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो ये ऑन रोड प्राइस लगभग अब 2,08,000 से 2,10,000 रुपीज के आसपास की ऑन रोड प्राइस हमें देखने को मिलेगी, जी हाँ इतना प्राइस ड्यूक 200 में भी बढ़ा दिया गया है। उसके बाद बात करें दोस्तों KTM ड्यूक 250 के बारे में, 250 दोस्तों 2020 में आ रही थी 2,14,210, जी हाँ 2,14,210 रुपए की ये बाइक आ रही थी एक्स शोरूम प्राइस, और अब ये बाइक आएगी 2,17,402, जी हाँ 2,17,402 रुपए की दोस्तों अब ये बाइक आपको एक्स शोरूम प्राइस देखने को मिलेगी। अगर बात करें कि बाइक में प्राइस कितना बढ़ा है, तो 3,192, जी हाँ 3,192 रुपए इस बाइक में अब बढ़ा दिया गया है। और दोस्तों ऑन रोड प्राइस ये बाइक लगभग अब मिलेगी 2,42,000 से 2,45,000 रुपीज के आसपास, जी हाँ 2,42,000 से 2,45,000 रुपए के आसपास की ऑन रोड प्राइस अब आपको KTM ड्यूक 250 देखने को मिलेगी। बात करते दोस्तों नेक्स्ट मॉडल KTM ड्यूक 390 के बारे में, ड्यूक 390 दोस्तों पहले एक्सोरूम प्राइस आ रही थी 2020 में 2,66,620, 2,66,620 रुपए में एक्स शोरूम प्राइस आ रही थी, और अब ये बाइक आएगी 2,70,554, 2,70,554 रुपए में ये बाइक अब आपको एक्स शोरूम प्राइस देखने को मिलेगी। और अगर बात करें कि प्राइस कितना बढ़ा है, तो 3,934, जी हाँ 3,934 रुपए इस बाइक में अब प्राइस बढ़ा दिया गया है, जी हाँ प्राइस बढ़ा दिया गया है। और अगर बात करें ऑन रोड प्राइस, तो लगभग 3,15,000 रुपए के आसपास की ड्यूक 390 अब आप लोगों को ऑन रोड प्राइस देखने को मिलेगी, तो इसमें भी भाई मेरे हिसाब से काफी प्राइस बढ़ा है। वही दोस्तों ये हो गई हमारी ड्यूक सीरीज, जी हाँ जितनी भी KTM की ड्यूक सीरीज आती है ये हो गई। अब बात करते हैं RC सीरीज के बारे में कि RC में क्या प्राइस आ रहा है। सबसे पहले बात करेंगे RC 125 के बारे में, RC 125 दोस्तों 2020 में आ रही थी 1,61,100 रुपीज की, 1,61,100 रुपए में ये बाइक एक्स शोरूम प्राइस आ रही
रही थी। अब 2021 में इसका एक्सरूम प्राइस हो गया 1,62,566, जी हाँ 1,62,566 रुपए इस बाइक का एक्सरूम प्राइस हो जाएगा 2021 में। बात करेंगे कि कितना प्राइस बढ़ाएगा, तो 1,466 रुपए 1,466 रुपीज इस बाइक में प्राइस बढ़ाया गया है। बात करें ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो यह बाइक ऑन रोड प्राइस अब लगभग 1,88,000 से 1,90,000 रुपीज के आसपास की ऑन रोड प्राइस देखने को मिलेगी। तो मेरे हिसाब से भाई इसमें काफी ज्यादा प्राइस अब बढ़ गया है 125 में, शायद इसमें थोड़ी सी सेलिंग में प्रॉब्लम हो सकती है KTM को। वही दोस्तों बात करें हमारी नेक्स्ट बाइक के बारे में, तो वह है RC 200। RC 200 का एक्सरूम प्राइस पहले आ रहा था 2020 में 2,01,075 रुपीज, 2,01,075 रुपए की यह बाइक एक्सरूम प्राइस आ रही थी 2020 में। अगर बात करें 2021 में, तो यह बाइक अब आएगी 2,04,096 रुपीज, जी हाँ 2,04,096 रुपए में यह बाइक अब आप लोगों को एक्सरूम प्राइस देखने को मिलेगी। अगर बात करें प्राइस के बारे में कि कितना बढ़ा है, तो इस बाइक में 3,021 रुपीज, जी हाँ 3,021 रुपए इस बाइक में बढ़ा दिया गया है। बात करें ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो यह बाइक अब आपको ऑन रोड प्राइस लगभग 2,35,000 रुपीज के आसपास की मिलेगी, जी हाँ 2,35,000 रुपए के आसपास की अब आप लोगों को यह बाइक ऑन रोड प्राइस देखने को मिलेगी। बात करते हैं RC 390 के बारे में, RC 390 पहले एक्स शोरूम प्राइस आ रही थी 2,56,920, 2,56,920 रुपए की आ रही थी एक्स शोरूम प्राइस, और अब 2021 में आएगी 2,60,723, 2,60,723 रुपए की ये बाइक आएगी एक्स शोरूम प्राइस। तो इस बाइक में दोस्तों ओवरऑल 3,800 रुपीज के आसपास का प्राइस बढ़ाया गया है, जी हाँ 3,800 रुपए के आसपास का प्राइस इस बाइक में बढ़ गया है। अब ऑन रोड लगभग 3,10,000 रुपीज के आसपास की ऑन रोड प्राइस आएगी, लगभग 3,08,000 से 10,000 रुपए के आसपास की ऑन रोड प्राइस आपको RC 390 मिलेगी। बात करते हैं एडवेंचर सीरीज के बारे में, सबसे पहले आ जाती है एडवेंचर 250। पहले ये एक्सरूम प्राइस आ रही थी 2,48,256 की, 2,48,256 रुपए की, और अब ये एक्सरूम प्राइस आएगी 2,51,923, 2,51,923 रुपए की ये बाइक अब एक्सरूम प्राइस आएगी 2021 में। अगर बात करें प्राइस के बारे में, तो इस बाइक में 3,667, जी हाँ 3,667 रुपए इस बाइक में प्राइस बढ़ा दिया गया है। बात करेंगे ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो लगभग 2,85,000 रुपए 2,85,000 रुपए के आसपास या 2,90,000 रुपए के आसपास के बीच में आपको यह बाइक ऑन रोड प्राइस देखने को मिलेगी। वही दोस्तों बात करते हैं एडवेंचर 390 के बारे में, दोस्तों एडवेंचर 390 पहले आ रही थी 3,05,880, जी हाँ 3,05,880 रुपए की एक्स शोरूम प्राइस आ रही थी, और अब ये आएगी 3,10,365, 3,10,365 रुपए की ये बाइक अब एक्स शोरूम प्राइस आएगी। इसमें लगभग दोस्तों 4,500 रुपए, जी हाँ 4,500 रुपीज के आसपास का प्राइस बढ़ा दिया गया है। बात करें अगर इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो ये बाइक अब लगभग 3,60,000, 3,60,000 रुपए के आसपास की अब यह बाइक ऑन रोड प्राइस जाएगी, जी हाँ 3,60,000। बात करते हैं दोस्तों हमारी हुस्क्वर्ना के बारे में, सबसे पहले बात करेंगे स्वर्टपिन के बारे में। पहले दोस्तों यह बाइक हमें मिल रही थी 1,86,075, 1,86,750 रुपए की पहले मिल रही थी, और अब 2021 में 1,89,568, 1,89,568 रुपए की ये बाइक हमें मिलेगी अब एक्स शोरूम प्राइस, जिसमें लगभग 2,800 रुपए के आसपास का प्राइस बढ़ाया गया है, जहाँ 2,800 रुपीज के आसपास का प्राइस बढ़ा दिया गया है, और अब ये बाइक हमें ऑन रोड प्राइस लगभग 2,20,000, 2,20,000 रुपए के आसपास की ऑन रोड प्राइस आएगी। यही सेम प्राइस आपको विटपिन में भी देखने को मिलेगा, जी हाँ स्वर्टपिन और विटपिन का प्राइस लगभग ऑलमोस्ट सेम, आपको दोनों बाइक का लगभग सेम प्राइस देखने को मिल जाएगा। तो ये था दोस्तों न्यू KTM बाइक्स के प्राइस का डिटेल्स की 2021 में प्राइस कितना बढ़ा दिया गया है। दोस्तों मेरे हिसाब से ना प्राइस नहीं बढ़ाना था KTM को, क्योंकि पहले से ही मुझे ऐसा लगता है कि जो RC 125 और Duke 125 है, इनका प्राइस पहले से मुझे काफ़ी ज़्यादा लगता है 125cc के हिसाब से, और इस बाइक का अब और भी ज़्यादा प्राइस बढ़ दिया गया है। वैसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ KTM बढ़ाया, हर एक ब्रांड न्यू ईयर में थोड़ा थोड़ा प्राइस बढ़ाती है, हर एक कंपनी थोड़ा सा प्राइस बढ़ाती है, बट यार ये भी डिपेंड करता है कि हम कौन सी बाइक का प्राइस बढ़ा रहे हैं। मेरे हिसाब से 125 सीरीज का प्राइस नहीं बढ़ाना था, और अदर बाइक्स जो थी उनका प्राइस बढ़ा देना था। मेरे हिसाब से हो
सकता है कि आने वाले समय में थोड़ा सा बाइक की सेलिंग को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, बट देखिए भाई जो KTM लवर्स है वो बाइक तो लेंगे, जिनको बाइक का शौक है बेसिकली वो तो बाइक खरीदेंगे ही, मुझे अच्छे से पता है। लेकिन फिर भी यार बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मार्केटिंग में ध्यान देनी चाहिए। अब आप लोग मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग न्यू प्राइस से सहमत हो या नहीं हो, क्या आप लोगों को लगता है कि नया प्राइस ठीक है या बाइक वैल्यू फॉर मनी रहेगी या नहीं रहेगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों का आज का इंटरेस्टिंग वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लेना, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रह सके और आप मेरी वीडियो से अपडेट रह सकें।